धनतेरस के मौके पर बाजार में दिखी रौनक, सजा धजा दिखा बाजार। मुजफ्फरपुर के सोनार पट्टी के पूरे बाजार में रौनक देखने को मिली, हर दुकान सजा हुआ मिला। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के मोबाइल मार्केट में धूम दिखी, मोबाइल बाजार में भी खूब भीड़ भाड़ दिखी। मुजफ्फरपुर में दिवाली के मद्देनजर पुलिस है चौकस, पुलिस की नजर जुआरियों और सट्टेबाजों पर है। इस सिलसिले में पुलिस ने धनतेरस के एक दिन पहले 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास कैश और कार्ड्स बरामद किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आज की तमाम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। अभी धनतेरस जो कि कल धूमधाम से मनाया गया, बाजार में खास रौनक देखी गई। मुजफ्फरपुर के पूरे बाजार में रौनक देखी गई। धनतेरस के मौके पर सभी दुकान सजे धजे दिखे। खास तौर पर अगर मुजफ्फरपुर के सोनार पट्टी पुरानी बाजार की बात करें तो सोनार पट्टी जो कि सोने चांदी का सबसे बड़ा मार्केट है उत्तर बिहार का, वो पूरी तरह से सजा धजा दिखा। साथ ही साथ मोबाइल मार्केट में भी भीड़ भाड़ देखने को मिली। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा पानी टंकी स्थित श्री मोबाइल इंडिया में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। यहाँ मोबाइल पर बम्पर डिस्काउंट और सेल देखने को मिला। प्रोप्राइटर संतोष कुमार ने बताया कि श्री मोबाइल इंडिया में ऑनलाइन से भी सस्ता मोबाइल दिया जा रहा है, साथ ही साथ गिफ्ट्स हैम्पर भी दिए जा रहे हैं। बताना चाहेंगे आपको, आज धनतेरस की जो हम लोग का हिंदू सभा के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक पर्व है, जहाँ पे लोग नए नए प्रचार सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस मतलब धनतेरस के शुभ अवसर पे हमारे शॉप श्री मोबाइल इंडिया पानी टंकी चौक वाले ब्रांच पे आपको विशेष करके छूट मिला है। ये जो छूट मिला है आप देख रहे हैं नज़ारा, आप देख रहे होंगे हमारे शॉप पे ये जो नज़ारा है, ये भारी डिस्काउंट, भारी बम्पर गिफ्ट ऑफर, लकी ड्रॉ 10-10 लाख रुपये तक का लकी ड्रॉ का ऑफर है। साथ में आपको बुलेट रॉयल इनफील्ड बाइक का ऑफर है। तो ये ऑफर दोबारा नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए हम पूरे शहरवासियों से अनुरोध करते हैं कि आए हमारे शॉप पे श्री मोबाइल इंडिया में और ये ऑफर का लाभ उठाए। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये ऑफर फिर धनतेरस दीपावली और छठ के बाद नहीं मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि दीपावली छठ में आए और बेहतर से बेहतर ऑफर हमारे यहाँ पाए, ये ऑफर और कहीं नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आइए, यह मौका आज न कल तो खरीदना ही है, तो आज क्यों नहीं कि जहाँ हमको लाखों करोड़ों जीतने की मौका है, बाइक जीतने के मौका है, मोबाइल खरीदे मोबाइल जीते, ऐसे ऐसे धमाकेदार हमारे ऑफर चल रहा है। तो दोबारा फिर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आइए परचेज कीजिए। बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट आया है, बेहतर से फीचर्स आया है, लेटेस्ट सारे टेक्नोलॉजी का मोबाइल हमारे यहाँ आप देख रहे हैं पीछे नज़ारा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइए और परचेज कीजिए हमारे यहाँ से। कैसे आएंगे लोग? आने के लिए आपको हमारा पानी टंकी चौक मिठनपुरा पानी टंकी चौक से तरफ से अगर आप आते हैं तो लेफ्ट साइड में बिरयानी कबाब के बगल में मेरा दुकान हुआ, शोरूम हुआ। अगर आप मिठनपुरा की तरफ से आते हैं तो राइट साइड में मेरा शोरूम हुआ। अगर आप 0 माइल ब्रांच है मेरा, 0 माइल ब्रांच पे जाते हैं तो आप 0 माइल से अखाड़ा घाट की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में कोटक महिंद्रा बैंक के बगल में ही मेरा शॉप हुआ। तो दोनों ब्रांच में किसी भी जगह सेम ऑफर, सेम प्राइस, सेम डिस्काउंट, सेम धमाकेदार मिलेगा। तो आप सभी को बस फिर से बताना चाहेंगे ये ऑफर फिर दोबारा नहीं मिलने जा रहा है। तो आ जाइए, भारी भारी डिस्काउंट, भारी भारी ऑफर, बेहतरीन मिलने जा रहा है, आप आइए और लीजिए, परचेज कीजिए। मुजफ्फरपुर में दीपावली के मद्देनजर पुलिस चौकस है, पुलिस की निगाहें चील की तरह है। पुलिस जुआरियों और सट्टेबाजों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी कर रही है। इसी सिलसिले में गुप्त सूचना के आधार पर 3 जुआरी को नगर थाना क्षेत्र के क्लब रोड से गिरफ्तार किया गया है, जहां इन लोगों के पास 15 सेट ताश की गड्डी और 64,600 रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी तिनतसिया का काम करते थे और जुआ खिलवाने का काम किया करते थे। दीपावली में भी ये लोग जुआ खेलवाने का काम करते, इससे पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दीपावली के अवसर पर जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी, जिसमें गश्ती दल के द्वारा क्लब रोड में छापामारी की गई, 3 लोगों को पकड़ा गया है। उसमें 64,600 रुपया की बरामदगी हुई है और 15 ताश बरामद हुआ है, 15 सेट
और इसके आधार पर कार्रवाई करके उसे जेल भेजने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभियान पर किस तरह का चला रहे हैं दीपावली को लेकर, दीपावली को लेकर? इस तरह से जहां भी सूचना मिल रही है शराब और जुआ पर छापामारी की जा रही है और इस तरह से आगे भी हम लोग छापामारी करते रहेंगे। इसराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमले के विरोध में मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा जुम्मे की नमाज के बाद समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर मोमिनीन मुजफ्फरपुर के बैनर तले धरने का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य धर्म के लोग भी शामिल हुए। धरने का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ शिया धर्मगुरु और इमाम जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीम ने कहा कि हम लोग हजरत इमाम हुसैन को अपना आदर्श मानते हैं और हम लोगों ने उन्हीं से ये सीखा है कि समाज में हो रहे अत्याचार पर आवाज उठानी चाहिए, किसी पर हो रहे अत्याचार को देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। जो इसराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहा है और जिस तरह बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे ज्यादा हैं उसके अंदर, ये बहुत बड़ा मानवता के खिलाफ काम हो रहा है। जमीन के ऊपर इस वक्त जो भी धर्म है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म, ये ईसाई, सिख, खुद यहूदी, कितने यहूदी अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है। ये बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो हम इस वक्त बैठे हैं ताकि दुनिया वालों को एक मैसेज दें कि जहाँ जुल्म होगा लोग खड़े होंगे, हम लोग खड़े होंगे, और जब लोग खड़े होंगे तो जालिम का हौसला कम होगा, वो बेगुनाह मारने का सिलसिला उसका कम होगा, उसके अंदर डर पैदा होगा, नहीं तो जालिम अपने आप को अनचैलेंज फील करेगा कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ इसलिए बैठे, जैसे मुजफ्फरपुर में नवरूना का मर्डर हुआ, भूमाफियाओं ने किया, हम लोग खड़े हुए, मजहब का मामला नहीं है, ये जालिम और मजलूम का मामला है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से पटना में बीते दिनों एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भूमिहार ब्राह्मण के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए विचार विमर्श किए गए। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक 7 तारीख को बुद्ध मार्ग बिस्कुमान भवन के सभागार में हुई और उसमें पूरे प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सभी सम्मानीय सदस्य और हम लोग सभी उपस्थित हुए। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, जैसा कि नाम से ही है कि सामाजिक समीकरण, सामाजिक मजबूतीकरण और समाज की एकता के लिए यह सामाजिक संगठन बना है। पिछले कुछ समय से, कुछ कारणों से यह संगठन शिथिलता के स्थिति में था, जिसको तीव्र गति में लाने के लिए वह बैठक आहूत की गई थी और बैठक बहुत ही ढंग से संपन्न हुआ। हम लोग चाहते हैं कि समाज आज विकृत स्थिति में है, समाज में गरीबताई बहुत, ऐसा आपने देखा है कि जो सामाजिक जो रिपोर्ट आया जातीय समीकरण का, उसमें भी भूमिहार समाज में जो गरीबताई की जिक्र प्रखर रूप से की गई है और बात भी सही है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भूमिहार समाज भूमि से जुड़ा हुआ समाज है। यह बात अलग है कि सरकार ने भूमिहार की जिम्मेदारी लिया और जिम्मेदार लोग आज समाज, भूमिहार समाज में नहीं रहे, लेकिन जमीन जो लोग के पास है वह जमीन से जुड़ कर के रहने की घोषणा, उसकी बात हुई कि जमीन को आप छोड़िए नहीं, जमीन से आपका सम्मान बढ़ेगा और जो आप उपार्जन कीजिएगा उससे पूरे समाज को अन्नदाता आप बनेंगे, तो जरूर समाज का आशीर्वाद आपको अन्नदाता के रूप में मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि जो समीकरण बना है उसमें आपको नौकरी संभवतः नहीं ही मिलेगा, और जब नौकरी नहीं मिलेगा तो आपको किसी तरह से परिवार को पालना है, किसी तरह से समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखना है, तो आप स्किल्ड बनिए, आप उद्योग के तरफ मुखातिब होइए, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज को लगाइए, समझे ना,
उसके जरिए अपने बच्चों को स्किल जब होगा तो वो उसमें काम करेगा। सरकार से हम लोग का यही आग्रह कीजिए कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करे, जो उद्योग लगाते हैं या जो स्किल्ड हो रहे हैं उनको संरक्षण दे। आरक्षण आपको जिसको देना है, जिस मंशा से आप किए हैं आप दीजिए, ये आपका काम है। लेकिन जो आदमी उद्योग लगाया गया या ट्रेडिंग करेगा, आज लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। रुपया छीना जा रहा है, बैंक से लूटा जा रहा है, बैंक से कोई ले करके आता है उसके पैसे छीन लिए जाते हैं। तो न कोई बिजनेस करेगा और न कोई ट्रेडिंग हाउस लगाएगा, न कोई इंडस्ट्रीज लगाएगा। तो बिहार की ये स्थिति में जो समृद्ध लोग हैं वह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वह अपने को समझ रहे हैं कि हम लोगों को शायद सरकार, हमारी कोई आवश्यकता सरकार को नहीं है, इसलिए हमको कहीं संरक्षण देने का व्यवस्था के ऊपर में कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं किसी भी सरकार से आग्रह ये कर रहा हूँ कि इस समाज को जब अगर आप नहीं देखिएगा तो यह समाज भी आपके तरफ मुखातिब नहीं होगा। यानी समाज चाहती है कि हमारा संरक्षण हो, हमें भी हिस्सेदारी मिले, चाहे वह सामाजिक काम में या अगर हम समाज के लोग को कहते हैं कि आयुष्मान भारत का लाभ आप उठाइए, जनधन योजना का लाभ उठाइए, आप जो युवा को जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए है उसमें लगाइए, जो प्रधानमंत्री ने जो ये योजना बनाया है विश्वकर्मा योजना, उसमें आप काम कर करके उसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि सरकार आपको धीरे धीरे नौकरी से वंचित करने का पूरा उपाय हो रहा है। तो हम जिंदा नहीं रहेंगे तो हम समाज की सेवा क्या करेंगे। इसलिए हमको तो अपने समाज के भाइयों से, अपने भूमिहार ब्राह्मण और हम सवर्णों से और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो समृद्ध दूसरे जाति के भी लोग हैं, वो लोग अपने अंदर उद्योगीकरण की योजना बना करके बिहार को समृद्ध बनाने का काम करें, बिहार को समृद्ध बनावें। ऐसा करना हम लोगों के लिए अच्छा होगा और हम समझते हैं कि इसमें भूमि से हम लोगों को, भूमिहार लोगों को या ज़मीन जोतने वाले लोगों को ज़रूर जुड़ करके रहना चाहिए। ऐसा जो है उसमें निर्णय हुआ। दूसरी चीज़ ये भी है कि राजनीति में भी हमारी भूमिका होती है और आज वो भूमिका हमें उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए। तो हम आग्रह करेंगे कि भाई इनको राजनीतिक तौर पर भी इनको सम्मान देने मिलना चाहिए, ताकि यह समाज दूसरे राजनीतिक जो पार्टी से जुड़ा हुआ है या जिससे नहीं जुड़ा हुआ, उनको भी ये पार्टी, ये समाज सम्मान दे। मुजफ्फरपुर के एमएसकेबी मार्केट में गैजेट वर्ल्ड नामक मोबाइल शॉप का उद्घाटन किया गया। इस मोबाइल शॉप में नए तो नए, पुराने मोबाइल्स भी पूरे कंडीशन में आपको मिलेंगे। इस शॉप में एप्पल आईफोन और अन्य कंपनियों के पुराने मोबाइल जो कि फुल कंडीशन में कम रेट में दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ नए फोनों की भी भरमार है। धनतेरस के मौके पर आज इस दुकान का उद्घाटन किया गया। हमारे यहाँ एप्पल के सभी रेंज उपलब्ध है और सब में हमारे यहाँ डिस्काउंट मिलेगी और जो मेरे यहाँ कस्टमर आएंगे उनको एक गिफ्ट तो सुनिश्चित उपहार मिलेगा ही। हम जो भी मेरे यहाँ कस्टमर आएंगे, मेरे यहाँ सारा तरह का प्रोडक्ट उपलब्ध है। एप्पल का घड़ी हो गया, मैकबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी आइटम्स है, गैजेट, हर तरह का गैजेट हम देंगे। और मुजफ्फरपुर ही नहीं, मैं पूरे बिहार में सबसे सस्ता दूंगा, ये मेरा वादा है कि आप मेरे यहाँ आए, एक बार विजिट करें। और एप्पल का जो भी रेंज है एप्पल का, पूरे मार्केट में नहीं, पूरे बिहार से 3,000-4,000 मिनिमम 5,000 तक सस्ता हम देने जा रहे हैं कस्टमरों को। रीयूज मोबाइल भी दे रहे हैं हमारे यहाँ, रिफर्निश्ड मोबाइल भी है, रीयूज मोबाइल भी है, सेकेंड हैंड में हर, मतलब आजकल के जो युवा है वो आईफोन खोजते हैं, फोल्ड 5 खोजते हैं, फ्लिप 5 खोजते हैं, तो हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेंज है। और जैसे कि मेरे पास, आइए एक बार आपको दिखाते हैं हम, पहले आप ये देख लीजिए मेरे यहाँ। और हमारे यहाँ 15 प्रो मैक्स भी है, 15 प्रो मैक्स 11 महीने का इसका वारंटी भी है और ये मात्र हम दे रहे हैं 1,35,000 रुपए में। आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वर्चू का फोन है जो आपको पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलने जा रहा है। और रिफर्निश्ड रीयूज मोबाइल में आ जाइए, सैमसंग का जो भी आइटम है
प्रीमियम में हम लोग प्रीमियम सेगमेंट का सारा फोन रखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट में सारा फोन अभी उपलब्ध है। iPhone 11 है, iPhone 12, 13, 14, 15 सारा रीयूज मोबाइल है, सेकेंड हैंड फोन। और इस सब में हम लोग अपने दुकान की तरफ से 3 महीने का वारंटी भी दे रहे हैं, जो कहीं नहीं मिलेगा पूरे बिहार में। आपको वारंटी कोई कंपनी या कोई भी पर्सनल दुकानदार तो नहीं देते हैं, कंपनी भी देती है तो कोई कंपनी बिहार में नहीं देती है। हम बिहार में सबको वारंटी देंगे अपने काउंटर की तरफ से, 3 मंथ की वारंटी और रिप्लेसमेंट वारंटी भी देंगे। कि अगर आप फोन से संतुष्ट नहीं है तो 7 दिन के अंदर में आके हमारे यहाँ से अपना पेमेंट ले जाइए, मेरा फोन रिटर्न कर दीजिए, जो आपको कहीं नहीं मिलने जा रहा है। ईएमआई का ऑप्शन हमारे यहाँ तो अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ईएमआई में आप जो फोन लीजिए सबका ईएमआई करा के देंगे, सेकंड हैंड हो या नया हो। आज सब धनतेरस है, धनवंतरी पूजा है, और आज जो है सो माँ की कृपा से ही, माँ लक्ष्मी धनवंतरी की कृपा से ही कोई परिवार समृद्ध होता है, चाहे वो जो काम भी करे। तो हम पूरे अपने बिहारवासी, मुजफ्फरपुरवासी के भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि हृदय से माँ की पूजा आप करें, माँ की आराधना करें, ताकि हमारा मुजफ्फरपुर, हमारा बिहार सुख शांति से जीवन यापन करे, और माँ की श्रद्धा से सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने की कामना रखते हैं। वह माँ हमें आशीर्वाद इस अवसर पर दे, ऐसा ही हमारा प्रार्थना सभी भाई बहनों से, मेरा हाथ जोड़ करके ही प्रार्थना है माँ से, विशेष तौर से ये माँ हमारे पूरे लोगों पर आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए, और आपकी कृपा से ही हम लोग आगे भी आप ही के कृपा से जिंदा रहेंगे, ऐसा विश्वास भी है कि माँ हम लोगों को जरूर हम लोगों पर कृपा रखेंगे। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की ओर से समस्त बिहार वासियों, मुजफ्फरपुर जिला वासियों को धनतेरस, दीपावली, माता लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा के साथ साथ छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। समस्त मुजफ्फरपुर जिले वासियों को धनतेरस और दीपावली और सबसे बड़ा महापर्व लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। छठी मैया समस्त मुजफ्फरपुर वासी के जितने भी बाल बच्चे हैं सबको बढ़िया से स्वस्थ रखे, सबको रोजी रोजगार में बरकत हो और सभी लोगों को लंबी आयु हो, इन्हीं कामना के साथ जय छठी मैया। राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर की तरफ से तमाम नगर वासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस दीपावली हम सब लोग मिलके कामना करते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप पुनः अपने देश में आए। धन्यवाद। धन्य धान के देवता धन कुबेर के पर्व धनतेरस एवं रोशनी के महापर्व माँ लक्ष्मी के त्यौहार शुभ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से समस्त मुजफ्फरपुर वासियों, बिहार वासियों, देशवासियों को इस पर्व पर माँ लक्ष्मी हम सबों पर धन संपदा की वृद्धि करे, इसकी कामना मैं करता हूं। एक बार पुनः युवा राजद परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप समस्त मुजफ्फरपुर वासियों को धनतेरस एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई, और माँ लक्ष्मी की कृपा बना रहे आप लोग सभी लोगों पे। आज धनतेरस है और धनतेरस दिवाली की सारे बिहार वासियों को कोटि कोटि बधाई हो, और सब मिलजुल कर जो गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ वो बरकरार रहे, और हम लोग मिलजुल करके दीपावली, छठ और धनतेरस मिलजुल कर मना रहे हैं और मनाएं, और खुशी खुशी ये पर्व सारे बिहार वासियों का हो। मैं मोहम्मद रियाज गोरी बाबा लठी की ओर से दीपावली एंड छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं जिला वासियों को। नमस्कार, मुजफ्फरपुर समेत बिहार वासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। छठी मैया आप सब पर अपना कृपा बनाए रखे। तो आज के लिए बस इतना ही। धनतेरस के दिन खबरों की कमी हो जाती है क्योंकि छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और मार्केट में चहल पहल बढ़ जाती है। तो आप भी धनतेरस और दीपावली खुशी से मनाएं, खुशियों का त्यौहार दीपावली जो कि कल है,
और आप सबको बिहार लाइव नाउ की तरफ से धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, और हम आशा करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान कुबेर आपके घर में धन धान्य से आपको परिपूर्ण करें। और खबरों के लिए बने रहें बिहार लाइव नाउ और नेट विज़न के साथ, क्योंकि आप बिहार लाइव नाउ का ये समाचार नेट विज़न केवल नेटवर्क के 361 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपके घर पर नेट विज़न का केवल नेटवर्क नहीं है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप नेट विज़न का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता केवल नेटवर्क लगा सकते हैं और बिहार लाइव नाउ के सभी कार्यक्रम का मज़ा उठा सकते हैं, समाचार हो या अन्य कार्यक्रम। और हमारे समाचार और अन्य कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को देखना न भूलें। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।